आपके साथ एक ऐसा करने वाली हूँ जिसके अंदर होता है इसे मैंने वन वीक तक यूज किया उसके बाद इसका रिव्यू प्रॉपरली लेकर आई हूँ दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम लोटस बोटेनिकल्स इसका प्रॉपर नेम है लोटस बोटैनिकल्स नेचुरल बेकिंग सोडा डीप क्लिनिंग फेस वॉश ये जो फेस वॉश है ये क्या कुछ क्लेम्स करता है एंड बेकिंग सोडा आपकी स्किन के लिए क्यों अच्छा है ये सारी बात हम बात शेयर करेंगे बट मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इसकी क्वांटिटी क्या है इसकी प्राइस क्या है इसकी क्वांटिटी है 180 एटी की एंड इसका प्राइस है फोर सेवेंटी का आपको ये अच्छे खासा डिस्काउंट पर ईजिली मिल सकता है आप इसकी अपनी वेबसाइट देख सकते हो आप चाहे तो अमेजॉन देखिए नायका देखिए कहीं पर भी देखिए आपको अच्छे खासा डिस्काउंट पर ईजिली मिल जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में ये जो पैकेजिंग है आप देख ही पा रहे हो ये पम्प बॉटल वाली पैकेजिंग है जिसके ऊपर ओपन एंड क्लोज का यहाँ नोजल बना हुआ है ऐसे ट्विस्ट किया तो ये ओपन हो जाएगा ट्विस्ट किया तो ये क्लोज हो जाएगा मतलब इजली ट्रेवल फ्रेंडली पैकिंग है ठीक है नेक्स्ट चीज आती है ये जो प्रोडक्ट है ये हंड्रेड परसेंट वेगन इंग्रेडियंट्स के साथ बना हुआ है ये क्रलिटी फ्री प्रोडक्ट है इसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं किया गया नो मिनरल ऑयल नो प्रजर्वेटिव नो सल्फेट्स मतलब कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ का यूज नहीं किया गया इसके अंदर ठीक है अब हम बात करते हैं जो बेकिंग सोडा होता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए फर्स्ट बेनिफिट यही है कि वो आपकी स्किन को अच्छा खासा ग्लो प्रोवाइड करता है सेकंड बेनिफिट ये आता है आपकी स्किन में से जितना भी एक्सेस ऑयल होता है ना उसे भी रिड्यूज़ करने में हेल्प करता है थर्ड वन इज अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होती हैं एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है आपको तो उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है फोर्थ अगर आपके ब्लैक व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है फिफ्थ वन इज अगर आपके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है सो so, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके सो so, हम लोग बात करते हैं जो इस प्रोडक्ट क्लेम करता है उसके बारे में सो so, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये आपके पोर्स को प्रॉपरली क्लीन करता है डीपली क्लीन करता है एंड उसके साथ में ये आपके एक्नियन पिंपल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड आपके ब्लैक हेड्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है यहाँ ये प्रॉपरली लिखी हुई है चीज़ें उसके साथ में ये कौन कौन से लोग इसे इजिली यूज़ कर सकते हैं इसे नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वाले लोग इजिली यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात शेयर की है सो कॉम्बिनेशन स्किन को ऑयलीनेस की प्रॉब्लम होती है सो so, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ वन वीक से एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं नेक्स्ट वन इज ऑयली स्किन को तो मतलब हर एक पर्सन चाहता है कि उनके जितना भी एक्सेस ऑयलन हो वो इसीलिए किसी तरह से रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाए मतलब वो नॉर्मल बनने स्टार्ट हो जाए तो आप लोग इसे इजिली ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके सो so, इसके साथ में ही अगर आपके फेस के ऊपर थोड़ा सा मेकअप रह गया मेकअप रिमूवर यूज़ करने के बाद भी ऑब्वियसली रह जाता है तो उस चीज़ को भी आप इसे जस्ट इतनी सी क्वांटिटी लेंगे एंड उसी से ही क्लीन करेंगे ना तो वो जितना भी मेकअप भी होगा ना वो भी अच्छे से निकल जाएगा मतलब इतने अच्छे से आपके फेस को ये क्लीन क्लीनआउट कर देता है इसलिए मुझे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा ये सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो प्रोडक्ट है इसे सर्टिफिकेट कौन सा मिला हुआ है दिस प्रोडक्ट इज टोटली सर्टिफाइड एज अ सेफ कॉस्मेटिक्स इसके ऊपर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का जो लोगो होता है ना वो भी बना हुआ है सो तो मतलब ये प्रॉपरली सर्टिफाइड प्रोडक्ट है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड येस yes, अगर आपकी थोड़ी बहुत सेंसटिव स्किन है तो आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट करके देख लेना चाहिए इसे यूज़ करने से पहले बिकॉज बेकिंग सोडाज एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो थोड़ी बहुत आपको मतलब इचीनेस प्रोवाइड कर सकता है सो so, आई एम नॉट श्योर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये आपको सूट करेगा यानी आप लोगों को एक ज़रूर पैच टेस्ट कर लेना चाहिए अगर आपकी नॉर्मल स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है एक्ने एग्नेप्रॉन स्किन है ऑयली स्किन है तो आप लोग इसे ईजिली यूज कर सकते हैं सो so, अब हम बात करते हैं कि इसका जो कलर कैसा है इसका कलर है नॉर्मली ट्रांसपेरेंट कलर का ये बट हल्का सा उसमें टच आता है वाइट कलर का अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हल्का सा वाइट टोन है बट है ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सो फ्रेंड्स ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी वीडियो कैसी लगी है एंड जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसके साइड पर जो बेलाइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि उन्हें मेरे हर वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ईजिली आता रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय